हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यूटन सेकेंड लॉ जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आइज़क न्यूटन ने हमें दिया है। तो न्यूटन जो सेकेंड लॉ है उसे समझने से पहले पहले आपको मोमेंटम के रिगार्डिंग पता होना चाहिए। तो मोमेंटम को पहले देख लेते हैं। तो अब पहले आता है मोमेंटम क्या होता है, कि इट मेजर द अमाउंट ऑफ मोशन इन द बॉडी। तो ये मोशन को मेजर करता है। फिर है कि जो मोमेंटम है, अब आपको कैसे पता चलेगा, मान लो दो पर्सन है, एक वॉक कर रहा है और एक रनिंग कर रहा है, तो इट मीन्स किसमें मोशन ज़्यादा है, जो रनिंग जो भाग रहा है वो ज़्यादा उसमें मोशन है, जो वॉक कर रहा है उसमें अमाउंट ऑफ मोशन कम है। तो अब मोमेंटम को अब इतनी सी बात बोल के ही क्लियर नहीं हो सकता, मोमेंटम के लिए और एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके पास दो बॉल है, एक टेनिस बॉल है और एक क्रिकेट बॉल है, दोनों में से कौन ज़्यादा आपको इंजरी करेगी। आई थिंक कि जो टेनिस बॉल है वो इंजरी करेगी लेकिन कम करेगी, जो क्रिकेट बॉल है उससे आपको इंजरी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि क्रिकेट बॉल का जो मास है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू किसके, टेनिस बॉल के मास से। टेनिस बॉल के मास से मास ज़्यादा है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो मोमेंटम है वो मास पे डिपेंड करता है? मींस कि अगर किसी का वेट होगा ज़्यादा तो उसमें मोमेंटम भी ज़्यादा होंगी, अगर उसका वेट होगा कम तो मोमेंटम भी कम होगी। तो अब इतनी सी बात बोल के तो शायद हम नहीं सारी बात को समराइज कर सकते। अब एक क्वेश्चन है कि कोई बच्चा है, उसके हाथ में क्या है, गन है। तो जब वो गन शूट करता है तो उसमें से वो गोलियां निकलती हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से हमें लगती हैं। या फिर मान लो कोई पर्सन है, उसके हाथ में गन है, उसने बुलेट फायर किया, तो जो बुलेट है उसकी इंजरी जो है वो इन दोनों से भी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू टेनिस बॉल एंड क्रिकेट बॉल, उसकी इंजरी ज़्यादा होती है। बट अगर मास की बात करें तो मास तो उसके क्रिकेट बॉल से कम होता है, तो फिर वो हमें इंजरी क्यों ज़्यादा फील होती है, इंजर्ड क्यों हो जाता है, मे बी पर्सन डेथ, उसकी डेथ भी हो सकती है। तो अब इसका मतलब ये है कि मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, मोमेंटम जो है वो वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। कोई चीज़ जितनी तेज़ी से मूव करेगी उतना उसमें मोमेंटम ज़्यादा होगा। जब आपने गन को क्या किया, गन में से बुलेट को फायर किया, तो क्या होगा, वो फायर होते ही उसने इतनी तेज वेलोसिटी अटेन कर ली है कि वो क्या कर रही है, वो पर्सन को मार भी सकती है। तो अब मान लो और एग्जांपल ले लेते हैं वेलोसिटी की ही। अब मान लो कि कोई भी इंसान जा रहा है, अब पीछे से ट्रक आ रहा है, तो अब ट्रक जो है वो मान लो सपोज करो कि वो 20 की स्पीड से आ रहा है, तो अगर वो किसी भी पर्सन जो है वो उसे कुचल के उसे मार के भी जा सकता है, तो यहाँ पे भी मोमेंटम काम कर रहा है। मोमेंटम का मतलब क्या है, कि जितनी किसी भी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा और उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उतना उसमें मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। तो इसी वजह से एक 20 की स्पीड पे चल रहा ट्रक भी किसी को क्या कर सकता है, उसे इंजर्ड कर सकता है। तो अब जो मोमेंटम है वो दो टर्म्स पे डिपेंड करता है, एक होता है वेलोसिटी और एक होता है मास। अगर हम मास और वेलोसिटी दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो उससे हमें क्या पता चलता है, हमें मोमेंटम पता चलता है। मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं, तो यहाँ से हमें पता चल गया मोमेंटम जो पी है वो किसके इक्वल है, एम इंटू वी के इक्वल है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हम किसी का भी मोमेंटम मीन्स अमाउंट ऑफ मोशन पता कर सकते हैं। फिर अब बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। सेकेंड लॉ को रिलेट हम करेंगे विद मोमेंटम। सेकेंड लॉ हमें क्या बोलता है, कि चेंज इन मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। आपने कभी सोचा है कि अगर मान लो कोई भी ट्रेन है वो अगर वो आती है तेज स्पीड पे पीछे से आती है, तो वो पहले ही 1 किलोमीटर पीछे से ही ब्रेक लगाना शुरू कर देती है ट्रेन जो है। अब अगर मान लो आप हो, आप अपने घर को जा रहे हो, आपने काफ़ी तेज साइकिल चलाया हुआ है, तो आप क्या करते हो, उसे स्लो डाउन करने के लिए, मान लो आप बाइक पे हो, आप रोकने के लिए पीछे से ही आप ब्रेक लगाना शुरू कर देते हो। ऐसा क्यों होता है, ये आप क्यों करते हो, यही हमें जो है वो सेकेंड लॉ बताता है।
सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि अगर आपने मोमेंटम में कोई भी बदलाव करना है तो वो किस पे डिपेंड करेगा, वो फोर्स पे डिपेंड करेगा। अब इट मीन्स अगर मान लो ट्रेन पीछे से आ रही है, वो हाई स्पीड पे है, तो अगर मान लो उसके मोमेंटम में हमने बदलाव करना है तो हमें उस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने पड़ेगी, इसलिए हम 1 किलोमीटर पीछे से ही ब्रेक अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। अब मान लो आप साइकिल पे जा रहे हो लेकिन आप स्लोली स्लोली जा रहे हो, तो आपको क्या होगा, घर के पास जाके भी आप ब्रेक लगा दोगे। तो मोमेंटम तो सेकेंड लॉ हमें ये बताता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट धीरे आता है तो उस पर फोर्स भी कम लगती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट तेजी से आता है तो उस पर फोर्स भी ज़्यादा लगती है। मीन्स चेंज इन मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू अनबैलेंस्ड फोर्स। अब फोर्स का मैंने आपको फंडा बता दिया कि अगर कोई तेजी से आएगा फोर्स ज़्यादा होगी, अगर कोई स्लोली आएगा तो फोर्स कम होगी। तो फिर आगे अगर मान लो हमने और रिलेट करना है, मान लो ये मेरे पास क्या है, कार है, ये रुकी हुई है, मैंने 2-3 पर्सन्स को बोला कि प्लीज़ भैया आप इसे चला दो, तो उन्होंने क्या किया, बस थोड़ी दूरी तक की लगाया, मान लो यहीं तक की लगाया, फिर ये स्टार्ट नहीं हुई। फिर मैंने बोला कि भैया नहीं आप क्या करो, आप थोड़ी और दूर तक लेके जाओ, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ से चलते हुए उन्होंने यहाँ तक धक्का लगाया, तो अभी ये स्टार्ट हो गई। मीन्स चेंज इन मोमेंटम जो है वो किस पे डिपेंड करती है, अप्लाइड फोर्स पे। आपने फोर्स ज़्यादा देर तक अप्लाई की तो वो स्टार्ट हो गई, आपने फोर्स कम देर तक अप्लाई की तो वो नहीं आगे मूव की। तो अब यहाँ से आप क्या समराइज कर सकते हो कि जो सेकेंड लॉ क्या बोलता है, चेंज इन मोमेंटम जो है वो किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। कहीं पे भी अगर रेट की बात हो तो इट मीन्स हम पर यूनिट टाइम हम ये लगाते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन।